आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। बस्तर छत्तीसगढ़ से राजेश मेहरा, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के साथ। बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले 3 वर्षों से फरार चल रहे एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुखराम मलकामी उर्फ हरमा बताया जा रहा है, जो दंतेवाड़ा जिले के कटेलियान थाना क्षेत्र के ग्राम नदेनार का निवासी है। आरोपी पर 2021 में एक गोपनीय सैनिक की हत्या का आरोप है। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की और आरोपी को उसके ग्रामीण क्षेत्र में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी सुखराम मलकामी ने अपना जुर्म कबूल किया और हत्या में शामिल अन्य नक्सलियों के नाम भी उजागर किए। घटना 22 जून 2021 की है, जब ग्राम पखनार के साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर तैनात गोपनीय सैनिक बुधराम कवासी पर नक्सलियों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला बस्तर में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और अपने DRG बस्तर फाइटर्स के माध्यम से हम लोग नक्सलियों के विरुद्ध अभियान भी चला रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो गोपनीय सूत्र हैं उनके माध्यम से हम अलग अलग स्थानों में जो नक्सल कार्डर्स हैं उनके बारे में पतासाजी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमको सूचना ये मिली कि नेड़नार जो कटे कल्याण दंतेवाड़ा में पड़ता है, वहाँ का जो जन मिलिशिया डिप्टी कमांडर है सुखराम उर्फ हड़मा, उसकी उपस्थिति पकनार के आसपास में हमको पता चली थी। ये जो व्यक्ति है हड़मा, ये पूर्व में 2021 में हमारे एक गोपनीय सैनिक की हत्या हुई थी पकनार के मार्केट में, जिसका नाम बुधराम कवासी था। उसकी हत्या में ये आरोपी था। इसके संबंध में पूर्व में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, साथ ही साथ जिनको जो कुछ कार्डर्स ने सरेंडर किया था उनके संबंध में पता चला था, तो इसके सूचना मिलने पर हम लोगों ने नाकाबंदी करके इसको पकनार के पास से गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और पूछताछ जब इसे किया तो इसने अपना अपराध कबूला है। इसने बताया कि यही मुख्य रूप से बुधराम कवासी की हत्या में शामिल था। इसने टंगिया से उसके ऊपर में वार किया था। इसकी निशानदेही में हम लोगों ने टंगिया भी इसके पास से बरामद किया है, जो जिसका प्रयोग इसने उस समय हत्या करने पर किया था। ये क्योंकि जन मिलिशिया डिप्टी कमांडर है तो ऑलरेडी UAP एक्ट के तहत इस मामले में विवेचना की जा रही थी और इसको न्यायिक रिमांड पर भेज करके आगे इसके खिलाफ भी चार्जशीट किया।